तो हमारे अंदर कोई घुटन होती, बेचैनी होती, बोले ठीक है नहीं जो है वो यहां पे इतना तुम आनंद ले पाए, हम तुमको यहां देते हैं, आनंद मिल जाएगा और उसके उपरांत आपके अंदर जो है मन में शांति हो जाएगी। विचार करोगे, समझोगे, आगे अपना विवेक का प्रयोग करोगे जैसे करना है। लेकिन बेसिक माया का मोटिवेशन मां की तरह होता है, इसीलिए जगत की उत्पत्ति है, आपके स्वप्न की उत्पत्ति है। आपके जो स्वप्न की उत्पत्ति होती है, स्वप्न की उत्पत्ति के पीछे हमारी कल्पना शक्ति मां की तरीके से प्रेम और स्नेह रखती है। लड्डू खाने थे, नहीं खा पाए, और सपने में प्रस्तुत कर देती, बोलते खाओ बेटा, कोई नहीं है यहां पे, खा लो जी भर के। हमारे मन की भावना के हिसाब से देखिए, हमारे सपने केवल हमारे संस्कारों से आते हैं और किसी के संस्कारों से नहीं आते। आपके मन में जो बेचैनी थी, जो घुटन थी, जो पीड़ा थी, जो खुशी थी, आपको और उसको जो है अनुभव करना था, दिल खोल के अनुभव करना था, सब प्रस्तुत हो जाता है। और जो यहां पे प्रस्तुत करने की शक्ति है वो केवल आपका प्रति स्नेह रखती है, आत्मीयता रखती है। हमको जो है लड्डू खाने थे तो लड्डू कहीं आएगा, आपको करेला खाने थे तो करेला का नहीं आता हमको, आपको लड्डू करेला का मुबारक हो हमको नहीं आता है। देखो तो छोटी सी बात है, लेकिन हमारे मन में सपना, हमारी ही भावना, इच्छा, वासना, प्राथमिकताएं, कर्तव्यताएं, उसकी पूर्ति के लिए ही प्रस्तुति होती है। ये तो स्नेह है ना। हम आपके घर जाएंगे तो आप पूछोगे ना कि गुरुजी को क्या अच्छा लगता है, वही बनाया जाए। उम्मीद करते हैं करेला नहीं बनाओगे आप बना ही नहीं सकते हो। अगर आपको पता लग गया और ऐसी व्यासपीठ पे बैठ के घोषणा हो चुकी है तो आप कभी नहीं बना सकते हो। हाँ, पिताजी की तरीके से कट्टर विवेकी हो गए तो बना सकते हो, आत्मीयता से रहे सब केवल डिक्टेटर है? पिता लोग सदैव डिक्टेटर होते हैं, डंडा लेके अब हमने घरों में देखा है बच्चे खाना नहीं खाते, एक जब माँ खिलाती है पिताजी ये सामने बैठे हुए दो लोग तो हमारे सामने, उनके हम बचपन से देखते हैं, दोनों ऐसे बढ़िया सैंपल की खाना नहीं खाते थे और खाना खिलाने में उनकी माताजी की प्रतिक्रिया और उनके पिताजी का टेंशन सभी वो जो है टेंशन कैसे खाना खिलाए उसको पता नहीं किसके ऊपर पड़ा खाना नहीं खाता पूरा बच्चे को हैंडल करने में ऐसा टेंशन होता है, हम सोचते हैं ऑफिस में काम कैसे करते होंगे ऐसी मुसीबत, और भगवान ऐसे लोगों को दो चार सैंपल नहीं देते हैं मैं मुसीबत में जले भुने जा रहे हैं, शांति से काम का कोई सामर्थ्य नहीं है। फाइनली जब अति हो जाती तो बोले जाओ मम्मी के पास जाओ खिलाएगी तुम वही तुम लोग को हैंडल कर सकते, उन्होंने पैदा करा वही जाने से निपटा जाता है तो एक जो है वह पिताश्री होते हैं और एक माताश्री होती है, उनमें सदैव आत्मीयता होती है, कैसा भी हो सदैव आत्मीयता होती है। तो जगत की प्रस्तुति माता जी ने तो करी, इसीलिए बहुत सुंदर है, बड़ी बहुत आनंदमय है और बहुत ही कस्टम मेड है। आपको जो दुनिया दिख रही है ना वो आपके हिसाब से दिख रही है, आपके अनुकूल दिख रही है, आपकी आवश्यकताओं के हिसाब से दिख रही है। हमको जो दुनिया दिखाई पड़ रही है वो हमारे हिसाब से दिख रही है, वही चीजें मिलती हैं जो जो हमको आवश्यकता थी और उसके अलावा कुछ नहीं मिलता है।
और अच्छा ही होता है उसमें। इसीलिए जो भी दुनिया आपको दिखाई पड़ती है वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी होती है। अच्छी क्या होती है महाराज जी, मरे जा रहे हैं यहाँ, घुटन हुई जा रही, बेचैनी हुई जा रही, बोलते हैं आपको ये कड़वी दवाई परम आवश्यक थी इसीलिए मिल रही है। विश्वास रखना ही है, जो मिलता है वो ये हमको उसी हिसाब से मिलता है। जगह बहुत सुंदर है, बहुत परफेक्ट है, बड़ा दिव्य है, बड़ा अद्भुत है, इसमें कभी शंका नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है जगत को सदैव माता जी की अभिव्यक्ति समझो। नवरात्रों में केवल एक रूप का स्मरण मत करना, पूरी जगत की सुंदरता का स्मरण करना। जगत की उत्पत्ति करने की जो शक्ति है वही हमारी माता जी है। और यहां पर एक चीज सदैव ध्यान रखो, जैसे आपकी माता जी आपकी भूख, आपकी प्यास, आपका टेस्ट वो ध्यान रख ही खड़ा करती है। चंपा की माता जी क्या आत्मीयता की मूर्ति है, इतनी सेवा भावी और इतना प्रेम से, गुरु जी को ये पसंद है और वो बेचारी बना के, शरीर रद्द हो गया बना के लाएगी। देखो म्यूजिक बज गया उनके नाम पे। इसका मतलब सतवचन सतवचन सतवचन। अब ये सब लोगों का कभी दिल झांक के देखो कितना प्यारा सा दिल है, केवल दूसरों की खुशियों के लिए मेहनत करती है, सब प्रयास करती है। हमको तो आश्चर्य लगता है हमारा दिल ऐसा क्यों नहीं है, इतना प्रेममय है उन लोगों का दिल, खूब सेवा करती हैं, प्रेम करती हैं, मेहनत करती हैं। सवेरे आपको जाना हो तो अलार्म लगा के उठ जाएगी, सवेरे भोजन पानी बनाएगी, सब करेगी, केवल खा लेना। आपने रास्ते में पता लगा पैकेट खोला ही नहीं, लेकिन वो अपनी नींद खत्म करके जगा के, केवल प्रेममय। और आपका हित हो यही केवल भावना है। इससे शिक्षा केवल अपने माताओं के लिए नहीं, हम जगत अम्मा जगत माता का भी ऐसे स्मरण कर रहे हैं। पूरी दुनिया उसी जादुई जगदम्बा की कृपा से प्रस्तुत होती है, अकल्पनीय शक्ति है, अनिर्वचनीय शक्ति है। लेकिन यहां पर एक जो चीज हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि ये जो जगदम्बा होती है ये अपनी तरफ से कुछ भी प्रस्तुति नहीं करती है। जब आपको बेचैनी होगी, जब जरूरत होगी, जब घुटन होगा, जब आपके अंदर कोई आवश्यकता होगी, तो उस एहसास से जगती